चांद भाई को खबर कर दो। खबर भेजती है सर। सर हाँ, इन्हें जलाएंगे या दफनाएंगे? जल तो चुके हैं, दफना देंगे। ठीक है सर। अर्थी तैयार हो गई? जी सर। जल्दी चाची, लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, सबको कॉफी बना के दो और पंकज मामा से कहो 25-30 खाने का इंतजाम करें। हेलो। अरे बेटा ये सब क्या? अरे मूर्ति, एसपी साहब भी आ रहे हैं, ढंग की कुर्सियां बाहर रखवाना। बेटा क्या हुआ तुझे? मरने वाला तेरा सगा भाई था, कितनी भयानक मौत हुई है उसकी। तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं आया। पुलिस वालों का दिल क्या पत्थर का होता है? नहीं रोऊंगा माँ, आज नहीं, रोने से दुख पूरा बाहर आ जाएगा। दुख बाहर आ गया तो गुस्सा पिघल जाएगा। उसे भीतर रहने दो, ये दुख मुझे काबू में रखना होगा। मन ही मन इस दुख को दबा रहा हूं मैं। जिस दिन वह हरामखोर मुझे मिल गया, इन्हीं हाथों से दबा कर उसे मार दूंगा। उस दिन खूब रहूंगा। और कितने बाकी है? बस एक गमला और बाकी। ये सब क्या है भैया? आपका कुरियर आया है। किसका है? एड्रेस ठीक से देखा आपने? यहाँ नंदिनी नाम की। जी मैं हूँ। तो फिर आप ही का है, यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। किसने भेजा होगा? किसी रेमो ने भेजा है। रेमो? हेलो। हेलो कौन? आई एम रेमो, REMO। रेमो? दैट्स राइट बेबी। मेरे भेजे फूल कैसे लगे? कौन है आप? मुझको क्यों ये सब भेजा? ये सब मेरे बगीचे के खास गुलाब हैं। इन सबको बड़ा गर्व है कि वो बहुत सुंदर हैं। मुझे लगा तुम्हें देखकर इनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उनको देखो एक बार। बोल नहीं सकता, तुम्हारी खूबसूरती के आगे वो झुक के टहनी से नीचे कूद कर खुदकुशी भी कर सकते हैं। वॉट बैक। उन तोते, कोयल और चिड़ियों को तो देखो, उन सबको बहुत अभिमान है कि उनकी आवाज बहुत सुरीली है। तुम्हारा गीत सुना तो गीत क्या, बात ही काफी है जिससे उनका घमंड टूट जाएगा, इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है उनको। इसी तरह नंदिनी को भी कोई आदमी पसंद नहीं आता, मोहित ही नहीं करता उसे, मगर एक बार वो मुझे देख ले तो बस उसका विचार बदल जाएगा। मुझे देखने का बहुत मन कर रहा है ना? बहुत दिल करे तो शाम को पार्क शेरेटन होटल में होने वाले फैशन शो में आ जाना। हे वन मोर थिंग, तुम्हारा दिल अगर कमजोर हो तो बिल्कुल मत आना। राइट अवे, नो वरीज, बाय बाय। क्या मुझे ढूंढ रही हो? डोंट लाई, मैं पीछे से सब कुछ देख रहा था। ओह नैंडी, मैंने पहले ही बोला था ना कि वीक आर्ट है तो यहाँ मत आना। मुझसे मिलने को बेकार आ रहा ना। किसने कहा? किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ये बताएगा सब। ये एक लव डिटेक्टर है, तुम्हें मुझसे कितना प्यार है सब कुछ बता देगा ये। होल्ड इट बेबी। कमाल है, मुझसे इतना लव? नो नो, ये तो धोखेबाजी है, ये मैं नहीं मानती। ओके, तो फिर किसी और के बारे में सोचो। नंदिनी, क्या सोच रही हो? ओके, समवन एल्स। हे, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। कौन है वो बदनसीब नैंडी? Hey, look at that. मुझे याद किया था ना? बोलो। अब बोलो तुम। ये सब बकवास है। Hey, watch it, watch it. अल्कोहल मीटर जैसे केमिस्ट्री लैब से इसे उठा लाए हो और मुझे बेवकूफ बना रहे हो, इसको मैं नहीं मानती। No. Hey, Nandi. Come on, babe. Girls are so tiresome. अरे, पसंद आने पर भी तुरंत हाँ नहीं बोलती है ये। सुनो मैं वो, oh God.
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों मिस्टर गोपाल, बॉम्बे से जो बाल का ऑर्डर आया था वो सप्लाई भेज दिया? भेज दिया सर। वकील साहब, हमारे केस कहाँ तक पहुँचे? हमारी फैक्ट्री में तैयार किया गया ब्रेक वायर ठीक नहीं है बोल के एक पागल वकील ने हम पर केस किया है। उस केस की हेयरिंग सोमवार को है सर। केस हमारे खिलाफ जा रहा है क्या? बिल्कुल सर, डैमेज काफी ज्यादा क्लेम कर रहा है वो। जीत गया तो इस फैक्ट्री को भी बेच के पूरा नहीं कर पाएंगे। ओए, क्या है सर, तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो। करोड़ों की फैक्ट्री है ये। कौन है वो? रामानुज। रूल्स रामानुज। अब बता रहे हो मुझे? कुछ देर तक उसे हम ही मैनेज कर लेंगे सोचा था, मगर केस उसका बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो क्या, एक काम करो, पार्ट पार्ट करके भगवान के पास भेज दो। हेलो। ये तुमने क्या किया? सब गायब कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चांद से कहा मैंने कि तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा देखा है। सितारों से कहा मैंने कि तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हंसी है उसकी। कहने लगे कि जरा हमें भी दिखाओ, सो उन्हें ले आया। हे, यू सी दैट? तुम्हें पास से देखकर चांद भी शर्मा के चुप है। वाह, आज तुम्हें देखकर वो आसमां भी झुक गया। यहाँ क्यों आए हो, जाओ। ओके, तुम मुझसे प्यार करती हो, कंफर्म कर दो एक बार। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, जाओ। ए, नैंडी। क्यों सता रहे हो? मैं कहाँ सता रहा हूँ, मैं तो सो रहा हूँ। तकिए के बदले मुझे कसकर पकड़। जाओ वरना मम्मी पापा को बुलाती हूँ। बुला लो, उनसे इंसाफ करने को कहूँगा मैं। पापा, मम्मी। हे, कितने धीरे से क्यों बुला रही हो? पापा, मम्मी। प्लीज जाओ। कंफर्मेशन प्लीज। क्या सोच रही हो? हाँ पापा। कंफर्म। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट कैसा? लव कंफर्म करने का। एक्नॉलेजमेंट के तौर पर किस दो? भगवान। हे, क्या मैं कोई पोप या फादर हूँ जो हाथ पर चुम्मी दे रही हो? लिप टू लिप। अब जाओ और छत पूरी बंद करके जाओ। गुड नाइट नैंडी, स्वीट ड्रीम्स। मौसी, क्या चाहिए? आपसे कुछ बात करनी है। उसके लिए मम्मी को क्यों बुलाते हो? परमिशन लेनी है। हे भगवान, अम्मी तुम भी कमाल हो। अरे मुझे बताओ, उस दिन मैं पसंद नहीं तुमने बोला था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया नंदिनी, मैं खुदकुशी करने पानी में डूबने चला गया। उफ़। मुझे लगा कि ये कानूनी तौर पर गलत है, इसलिए बाहर आ गया मैं। मुझे बताओ तुम्हारे दिल में क्या है नंदिनी, अपने को बदलूंगा मैं। तुम क्या बदलोगे? अब तुम्हें भूलना बहुत मुश्किल है, मरने का कोई रास्ता भी नहीं। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता नंदिनी। कहो तो भाग कटवा दूं, जीन्स पहनकर आऊं, टी शर्ट पहनकर माइकल जैक्सन की तरह तुम्हारे सामने डांस करके दिखाऊं मैं। मनुष्य को मेकअप से बदल सकते हैं मगर उसके दिल को नहीं। अम्बी, जैसे हो वैसे ही रहो। ऐसे रहने से तुम मुझे पसंद नहीं करती हो नंदिनी। तुम कुछ भी कर लो, मुझे पसंद नहीं आओगी अम्बी। क्यों नंदिनी? क्योंकि मैं किसी और को चाहने लगी हूँ। जाते वक्त ब्रेक वायर टूट गया था कह के तूने केस डाला था, ऑटो में लेके चलते हैं तुझे। छोड़ दे क्या? अरे अरे नहीं छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, मत छोड़ना। ड्राइवर, तुम दोनों एक ही डिस्टेंस मेंटेन करो, हां अलग मत होना। हेल्प। बहुत तेज दिमाग चलता है तेरा, केस करता है तू। बचाओ, ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं, बचाओ। अरे बहुत स्मार्ट बनता है, अभी तुझे मजा चखाते हैं। केस करता है तू। अरे बदमाशो, आगे खंभा है। Thank you.
काले कुत्ते कमीने, करोड़ों रुपए के फैक्ट्री को तू एक 10 रुपए के ब्रेक वायर टूट गई बोल के बंद करवा देगा? ब्रेक वायर क्वालिटी की होनी चाहिए ना भैया। फिर दोबारा वही बोलता है साले, मारो इसे। साले कोर्ट में हमारे खिलाफ फिर जाएगा। तुम्हारी तरह मैं पलट कर बाहर नहीं कर सकता, मैं दाल चावल खाने वाला हूँ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, मुझे छोड़ दो। साला मिट्टी का कीड़ा कछुए जैसा, छोड़ इसे। अरे मार ना खाने से मुझे अजीब लग रहा है राज। पेमेंट लिए तो मारना तो पड़ेगा ना, अपनी तसल्ली के लिए। ऐसा है तो फिर मारो। क्या कर रहे हो भैया? अरे अरे मुझे डर को डाल रहे हो, चोरी का मुंह बंद करो। क्या कर रहे हो? अब मारो मामू। मेरे साथ रुक नहीं भैया, मुझे छोड़ दो। अरे मामू फ्यूज जुड़ गया इसका। तूने बुलाया? नहीं मामू। गंदे नाले के कीड़ों, तुम्हें से कह रहा हूं। ए, कौन रे ऊंची आवाज में बोल रहा है? मैं हूं बे। ए, देखो रे इसको, अंबी में फिर से जान आ गई। कौन है अंबी? मैं अंबी नहीं हूं, अंबी वही मार खा के नीचे पड़ा हुआ है। मैं अपरिचित हूँ। अरे मामू ये तो बड़ा ही अजीब सा हो गया, कंफ्यूज भी कर रहा है। अरे इतना मारा था, इसका भेजा घूम गया होगा। क्यों मैं साले पागल कुत्तों, एक मासूम निहत्थे को इस तरह मारते हो? तब मैं तो मुझसे लड़ो। ये तो बहुत लोचे वाला है मामू। हाँ इसे इतना मारा था, कोई और होता तो हफ्तों नहीं उठता, ये तो मामला उल्टा ही हो गया है। ए राजा ये वही है क्या? मैं ये या वो नहीं, यमराज हूँ। Thank you.
मामेकं सरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शशां। यह सर्व श्लोक है मरने से पहले अंतिम बार सुनने वाले श्लोक। क्यों वे अच्छी क्वालिटी का सामान क्यों नहीं बनाते? चाहे उपभोक्ता मर भी जाए तुम्हें चिंता नहीं। 50 पैसे की सुपारी से लेके दंत मंजन पाउडर कपड़े स्टोव चप्पल ट्यूबलाइट टीवी मिक्सी इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि तक इस देश में सब कुछ तैयार होता है परंतु किसी में भी क्वालिटी नहीं। क्यों? अपने देश की जनता को अच्छी चीजें उपयोग करने के लिए देनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं सोचते तुम? बोलो। अब ये तुम्हारा खून पिएंगे जिस तरह से तुम जनता का खून पीते आए हो। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, ये तुम्हें अपनी खुराक बनाएंगे। डरो मत, इन कीड़ों में बहुत गुण है। जब ये तुम्हारा खून पिएंगे तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शशां। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शशां। कंज्यूमर कोर्ट में ब्रेक वायर टूट गई कह के उस वायर मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री पर केस किया था मैंने। केस मेरी फेवर में है तो कहीं मैं जीत ना जाऊं ये सोचकर उसने आदमी भेज के मुझको खूब पिटवाया। इसलिए आप उस फैक्ट्री ओनर के खिलाफ एक और केस लिख लीजिए। कौन सा फैक्ट्री ओनर? उसका नाम राजेश्वर एंड सन्स यूनिट अम्बतूर, मिस्टर ईश्वर नैयर। ये क्या, मरे हुए आदमी की कंप्लेंट लिखवा रहे हो? हाँ भैया, मार डाला उनको किसी ने। उसे मार डाला? भगवान, क्यों भाई, शव को ले जाने के लिए आदमी लोग आए कि नहीं? आ गए, उनको बुलाओ। नो, क्या कर रहे हो? ये सुबह सुबह शुरू हो गए साहब, पेट का सवाल है। दिन में 4-5 क्लास चढ़ा के उतारते हैं हम। इतनी मेहनत करने पर दिन का गुजारा होता है। जल्दी आओ। हाँ हाँ साहब। यही रखो। तुम्हारा नाम क्या है? कालिया। गुलिया। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चलो जाइए और जाकर भीड़ हटाइए। जाइए। हेलो कंट्रोल रूम। चलो भाई, सब लोग इस तरफ आ जाओ। सिर्फ यही एक गेटअप रह गया था, वो भी डाल लिया। अरे बाप रे। क्या सर, इजिप्ट की ममीज की तरह सूख गया है। बस इस तरह कीड़ों को पूरे शरीर पर छोड़ के खून करना क्या कभी किसी देश में सुना है? नहीं, ये पहली बार लगता है। भैंसों से कुचलवा देना, गरम तेल में तलना, ये सब पहली बार हो रहा है। बॉस बहुत अजीब तरीके से खून कर रहा है सबका। उसका कारण और मकसद समझ में नहीं आ रहा है। फंसेगा, जरूर फंसेगा। मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, इसी तरह की खौफनाक मौत दूंगा। बॉस
बॉस। क्या है? बाल। क्या? देखिए बॉस, बहुत लंबा बाल है। काफी दिनों से जिस खूनी दरिंदे को हम ढूंढ रहे थे वो औरत जात है। गुड, इसे संभाल के रखो, लेबोरेटरी में डीएनए टेस्ट करवाएं। बॉस क्या ढूंढ रहे हैं? लिखावट, कुछ ना कुछ हमेशा लिखता है। वही तो। बॉस, ढूंढ लिया मैंने बॉस। इस खून का उसने नाम क्या रखा जानते हैं? काजू पकोड़ा, रात नून पकोड़ा, झिलमिल जलेबी, दिन में गर्मा गर्म मिलता है मसालेदार काजू 100 ग्राम काजू पकोड़ा 12 रुपए 50 पैसे। सॉरी सर, ये किसी मकान का कार्ड है, नहीं दुकान का बोर्ड है। हाँ,